बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन अपनी दमदार और धमाकेदार एक्टिंग के दम पर साउथ को कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। जी हाँ, ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म विक्रम वेदा बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आ रही है। विक्रम वेदा का ट्रेलर आज लॉन्च कर दिया गया, तो कैसा है विक्रम वेदा का ट्रेलर बताएंगे आपको इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीत पाठक और आप देख रहे हैं फ्राइडे हाउसफुल। आपने मैकेनिक की दुकान पर 11 नंबर का पाना तो देखा ही होगा जो हर जगह फिट हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल बॉलीवुड में ऋतिक रोशन का है। बंदे से एक्शन, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ड्रामा चाहे जो करा लो, ऋतिक हर कैरेक्टर में बिल्कुल फिट हो जाते हैं। अब ऋतिक की नई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आने वाली है जिसका नाम है विक्रम वेदा। रीमेक की फैक्ट्री से एक और बवाल चीज हमारे मुंह पर फेंक कर मारी गई है भाई साहब। मुझे तो लगता है बॉलीवुड में एक कोई बंदा है जो हर साउथ की सीडी को साफ करके चला देता है और कहता है मार्केट में नया माल आया है, छाप दे क्या। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रीमेक पहले रिलीज होगी और ओरिजिनल फिल्म बाद में। उल्टी सीधी बातें क्यों करता, उल्टा पैदा हुआ था क्या, दिमाग खराब है कितना। आपको बता दें कि विक्रम वेदा साल 2017 में रिलीज होने वाली साउथ की एक आइकॉनिक फिल्म थी जिसमें आर माधवन और विजय सेतुपति मेन लीड में थे। इस फिल्म का प्लॉट भी विक्रम और बेताल की कहानी से उठाया गया है। वही विक्रम और बेताल जिसे बचपन में हमने दूरदर्शन पर कई बार देखा है, लेकिन ये मॉडर्न जमाने की विक्रम बेताल है। ओरिजिनल फिल्म में वेदा का नेगेटिव किरदार विजय सेतुपति ने निभाया था और सुपर कॉप विक्रम का किरदार आर माधवन ने। लेकिन जब ऑडियंस को पता चला कि इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनने जा रहा है तो ऑडियंस की एक्साइटमेंट एवरेस्ट तक पहुंच गई थी भाई साहब। विक्रम वेदा के हिंदी रीमेक में आर माधवन का किरदार सैफ अली खान और विजय सेतुपति का नेगेटिव किरदार ऋतिक रोशन निभा रहे हैं। चारों तरफ हरियाली और खुशहाली थी, लेकिन अचानक इस फिल्म के मेकर्स ने फिल्म को लेकर अपडेट देना बंद कर दिया। जिसके चलते लोगों के पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो गई। इसके बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म के मेकर्स को याद दिलाया कि भाई साहब आपने एक फिल्म बनाई थी और इसके बारे में हमें भी कुछ बता दो तो हमारे पेट की गुड़गुड़ भी बंद हो। पेट सफा हर रोग दफा। वैसे ओरिजिनल और रीमेक दोनों के ही डायरेक्टर सेम हैं, पुष्कर और गायत्री। हालांकि ओरिजिनल विक्रम और वेदा अपने आप में एक माइलस्टोन बन चुकी है, लेकिन फिल्म का हिंदी रीमेक उस माइलस्टोन के आसपास भी पहुंच पाएगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस बीच लंबे इंतजार के बाद फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। ट्रेलर क्या है भाई साहब, बवाल है बवाल। पूरे ट्रेलर को अगर वन मैन शो कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पूरे टीजर में सिर्फ ऋतिक रोशन ही छाए हुए हैं। क्या लुक्स, क्या गेटअप, क्या स्टाइल, क्या पर्सनैलिटी, भाई कमाल धमाल और बेमिसाल। इस चक्कर में हम छोटे नवाब सैफ अली खान को तो देखना ही भूल गए, और लास्ट में फिल्म के ओरिजिनल बीजीएम ने तो कहरी ढा दिया भाई साहब। फिल्म को डार्क शेड दिया गया है जो केजीएफ को टक्कर दे रहा है। ओरिजिनल फिल्म का बजट जहां महज 11 करोड़ था तो वहीं रीमेक पर मेकर्स ने पानी की तरह पैसा बहाया है। रीमेक का बजट करीब 175 करोड़ है। अभी फिल्म बॉलीवुड को लगातार मिल रही फेलियर से पीछे छुड़ा पाएगी या नहीं ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद आप यानी कि जनता जनार्दन ही तय करेगी, लेकिन ऋतिक भैया को देखकर दिल गार्डन गार्डन जरूर हो गया। तो अगर आपने ये टीजर देखा हो तो हमें जरूर बताइए कि आपको ये टीजर आखिर कैसा लगा और खासतौर पर ऋतिक भैया की परफॉर्मेंस से आप कितने उत्साहित हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें बताएं कि आखिर आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको कुछ कहना हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा। मैं हूं विनीत पाठक और आप देख रहे थे फ्राइडे हाउसफुल।